द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल व्यस्त है। बिजी है। तो ठीक कह रहा, बाद में फोन कर लूंगा। चल खाना खाते हैं। अरे किसने फोन कर रही है? गौरव जी को यो पूछने के लिए कि विद्याकर पहुंची से या ना। अरे पहुंच ही गई होगी, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? हैं? और तन्ने बता तो दिया था ना कि वो आ रही है। जी बस, तो फिर नहीं पहुंचती तो उनका अपने आप ही फोन आ जाता है। उसकी खुद की जिंदगी है, उसने खुद नहीं जीने दे, समझ गई? एक जोक हो जाए, गाना वाना बहुत हो गया। अरे चल बोल ले भाई, बोल ले तू। एक बार बच्चन सिंह, नंदन रेड्डी और वासु दुश्मन के हाथ गिरफ्तार हो गए। भी आप लेंगे दही? नहीं मैम। अरे करण, तू यहाँ इस वक्त? बेटा देवयानी ना पता चल गया ना तो बहुत नाराज होगी, अच्छा ना लगेगा उसने। भाऊ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मम्मी को बुरा लगेगा? बेटा वो खुद घर पे नहीं है ना, और घर में कोई मेहमान आए और देवयानी उसकी खातिरदारी ना करे तो उसे अच्छा नहीं लगता ना। तू तो जाना ही है, उसे मेहमानों को खिलाने पिलाने का बहुत शौक है। एक बात पूछूं, तन्ने कैसा लग गया सुन के जो मैंने सुबह कहा था? वही सिंदूर वाली बात। मैंने कहा था ना कि मैं तेरी मांग सिंदूर तो सजाना चाहूं। मैं मानता हूँ ये मुमकिन ना से, पर कम से कम आज की रात के लिए तो तू मेरी दुल्हन बन सके ना।